नीमच केंद्र सरकार के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी नीमच द्वारा इस बार दीपावली मनाए अपनों के साथ अपनों के बीच बनाए लोकल फॉर वोकल अपनाए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने बताया कि इस बार दिवाली हमारे शहर के लोकल फॉर वोकल को अपनाए और दिवाली का पर्व बनाए। स्थानीय कारीगर और व्यापारी मिट्टी के बर्तन, रंग, रंगोलियां, फूल माला स्थानीय कारीगर स्थानीय लोगों से ले, जिससे हमारे अपने लोग आगे बढ़ेंगे, स्थानीय को प्राथमिकता मिलेगी। उसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी आज नगर भ्रमण पर निकली है और लोगों से अपील कर रही है कि लोकल फॉर लोकल अपनाएं, अपनों के बीच दिवाली का पर्व मनाया जाए। दिवाली के इस पावन पर्व पर सभी जिलेवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। यह भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार के नेतृत्व में एक अभियान चलाया है, जिसमें हम वोकल फॉर लोकल के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जिससे मिट्टी के दिए और जो भी उत्पाद हैं बच्चों के खिलौने, इनको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे मजदूर हैं पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण सभी प्रभावित थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार कर हम लोकल की वस्तुओं को अधिक से अधिक बढ़ाएँ और बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह भी इन मिट्टी के खिलौने से खेलें, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहें और हमारे जो समाज के जो छोटे लोग हैं इनका भी घर चल सके और सबके घर में खुशी से दिवाली मने, यही हमारी शुभकामना है। बाजार में बहुत अच्छा उत्साह है, पूरे बाजार में रौनक पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि 2 वर्ष के बाद जो चेहरों पर खुशियां लौटी हैं, वह हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह निरंतर खुशियां बनी रहे। देखिए, सबसे पहले तो दीपोत्सव के पावन पर्व की सभी नीमच जिले वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है और पूरे देशवासी उस संकल्प को मजबूती से खुद के मन में लिए हुए लोकल मेड चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए और लोकल फॉर वोकल की दिशा में बहुत तेजी से भारत बढ़ रहा है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज दीपावली के इस पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए और लोकल पदार्थों की हम खरीदी कर रहे हैं, जैसा कि ये एक छोटा सा गुल्लक बना हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है अपने ही यहाँ के लोकल कारीगरों के द्वारा। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो हम सब लोग मिलकर खरीदें और मेरा एक और आग्रह है कि किसी प्रकार के भावराव इन लोगों से नहीं करें। भावराव हम बड़े शोरूमों में जाके कर सकते हैं, बड़ी चीज़ों में कर सकते हैं, हम इनको 10-20-25-50 रुपए के भावराव कर और हम जो इनकी प्रतिभा है, बहुत मेहनत लगती है, तो इन्हें कमाई दें, लोकल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादनों का उपयोग करें और घर में लाएं। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन आज बाजार में निकलते हुए और खरीदी करने के लिए निकला है। देखिए, जो अभी तक भी बहुत चीज़ें दिखी है हमको, कुछ कैलेंडर भी है, कलर हैं, इस तरह के दिए हैं, मिट्टी के कई सारी चीज़ें हैं, खिलौने हैं और भी कई चीज़ें, जैसे कि लाइटें हैं, सीरीज है, तो देशी है, लोकल है। हम लोग चाइनीज पदार्थों को खरीद के या अन्य देशों में बनी हुई चीज़ें खरीद कर दूसरे देशों को मजबूत कर रहे हैं और जो देश जिन्हें हम मजबूत कर रहे हैं वही देश हमें हमारे ऊपर आंखें निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे ही यहाँ बनी हुई चीज़ों को लेंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे, तो भविष्य में भारत भी मजबूत होगा। नीमच से दीपक खतावे की रिपोर्ट।